हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। केरल के कोझिकोड में हादसे का शिकार हुए विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद। जांच के बाद हादसे की असली वजह आएगी सामने। कल के हादसे में पायलट को पायलट समेत 18 लोगों की मौत। पिछले साल डीजीसीए ने कोझिकोड एयरपोर्ट को कारण बताओ नोटिस दिया था। जांच के बाद सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। दुबई से कालीकट आ रहा एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसलकर खाई में गिरा, तीन हिस्सों में टूटा। विमान में 7 क्रू मेंबर समेत 191 लोग थे सवार। केरल में भारी बारिश के बीच पायलट ने एटीसी से लैंडिंग की इजाजत मांगी। शाम 7:45 बजे टेबल टॉप रनवे पर लैंड करते ही फिसला विमान। विमान हादसे में कॉकपिट वाला अगला हिस्सा पूरी तरह तहस नहस हुआ। बीच के बड़े हिस्से को नहीं पहुंचा ज्यादा नुकसान, जिससे ज्यादातर यात्रियों की जान बची। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी कोझिकोड में हादसे वाली जगह पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। केरल के कोट्टायम में प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया। तेजी से बढ़ रहा नदियों का जलस्तर निचले इलाकों में भर सकता है पानी। तेज बारिश की वजह से केरल के ज्यादातर जिलों में नदियां उफान पर हैं। कोट्टायम में नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। केरल में बाढ़ बारिश से बर्बादी पर वायनाड से सांसद राहुल गांधी बोले, राज्य में बहुत बड़ा संकट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मदद की अपील की। यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी से बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन की तैयारियां तेज। 16 अति संवेदनशील इलाके समेत कुल 26 जगहों पर बाढ़ रोधी कार्यों में तेजी। 9 परियोजनाओं का काम पूरा। कानपुर हत्याकांड के आरोपी बदमाश उमाकांत ने चौबेपुर थाने में सरेंडर किया। पत्नी और बच्चों के साथ थाने पहुंचा उमाकांत। उमाकांत पर 50,000 का इनाम था। देश में कोरोना के 20,88,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। कल एक दिन में 61,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एमपी में बढ़ा कोरोना का खतरा। एमपी में कोरोना के नए मरीजों के सामने आने की दर 9% तक पहुंच गई है। एमपी में रोजाना 700-800 मरीज सामने आ रहे हैं। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सरकार चिंतित है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। दिल्ली में अब रात 10 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें। केजरीवाल सरकार ने दी छूट। पहले रात 9 बजे तक खोलने की ही थी इजाजत। जन्माष्टमी के उत्साह पर भी लगा कोरोना का ग्रहण। बाजारों में भीड़ पहले के मुकाबले बहुत कम। ग्राहकों की कमी से व्यापारियों की बड़ी चिंता। वृंदावन में भी पसरा हुआ है सन्नाटा। ग्रेटर नोएडा में 24 घंटे में ताबड़तोड़ 5 मुठभेड़। 25,000 के 2 इनामी बदमाश समेत कुल 5 बदमाश गिरफ्तार। बिहार के गया में 50,00,000 की रंगदारी न देने पर अपराधियों ने व्यापारी के घर में घुसकर गोली मारी, एक शख्स घायल हुआ। यूपी के अमरोहा में 1.5 साल पहले मृत घोषित की गई लड़की जिंदा मिली। इसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को जेल भेज दिया था। यूपी के प्रतापगढ़ में दबंग सभापति यादव और उसके गुर्गों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में फरार हुए। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 5 हॉकी खिलाड़ियों की जांच से सामने आई जानकारी। सभी को हल्के लक्षण। 5 में से सिर्फ 1 खिलाड़ी को बुखार। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गुजारिश पर राज्य सरकार के डॉक्टर को भी इलाज के लिए तैनात किया गया है। 2021 की T20 विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। 2022 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा। इस साल भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज को अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है। आईपीएल से पहले लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने नेट प्रैक्टिस शुरू की। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच मैनचेस्टर टेस्ट रोमांचक मोड़ पर है। दूसरी पारी में पाकिस्तान ने सिर्फ 137 रनों पर 8 विकेट गंवा दिए हैं। पाकिस्तान के ऑलराउंडर शोएब मलिक के कोरोना टेस्ट के निगेटिव होने का इंतजार। अगर 2 बार निगेटिव आए तो T20 सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड रवाना होंगे। कोरोना पर काफी हद तक काबू पाने के बाद इटली में 15 अगस्त से क्रूज शिप सेवा शुरू करने का ऐलान। प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे बोले, हम कोई नए प्रतिबंध नहीं चाहते। धीरे धीरे और भी आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाएगा।
जर्मनी एयरपोर्ट पर आने जाने वालों की कोरोना जांच जरूरी। बड़ी संख्या में टेस्टिंग के लिए कर्मचारियों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी की। 15 मिनट से भी कम समय में एक शख्स के टेस्टिंग का दावा। ग्रीस से सामने आई कोरोना काल में डराने वाली तस्वीर। जहाज पर सवार होने के लिए पोर्ट पर दिखी सैकड़ों लोगों की भीड़। सामाजिक दूरी का नियम भी तोड़ा। ब्रिटेन के सरे के जंगलों में फैली भीषण आग। कुल 100 एकड़ इलाके में आग। 60 घरों से 120 लोगों का रेस्क्यू किया गया।